नमस्कार साथियों, मैं हूं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेकर आया हूं स्कूल मैनेजमेंट का सेकंड टॉपिक। दोस्तों, इससे पहले मैं फर्स्ट टॉपिक बना चुका हूं और आप इसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का स्कूल मैनेजमेंट का दूसरा टॉपिक है अपना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय SSA कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभ किए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है वो किस योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किए गए हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसके अंतर्गत एक निश्चित ब्लॉकों का चयन किया गया है और ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। दोस्तों, केंद्र प्रायोजित एक कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम योजना के अंतर्गत चयनित ब्लॉकों में प्रथम चरण में 56 ब्लॉकों तथा द्वितीय चरण में 130 ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित किए गए हैं। ये योजना राज्य के 30 जिलों के 186 ब्लॉकों में है जो शैक्षणिक दृष्टि से दोस्तों पिछड़े हुए हैं, इसमें स्वीकृत की गई है। इन 186 ब्लॉकों में जो कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, स्वीकृत की गई इन 186 ब्लॉकों में 131 जो मॉडल है वो प्रथम मॉडल पर आधारित है, मॉडल फर्स्ट है, और जो 55 जो बालिका विश्वविद्यालय है वो दोस्तों मॉडल तृतीय के अंतर्गत स्वीकृत है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो 131 है वो प्रथम मॉडल के अंतर्गत स्वीकृत है और 55 है वो तृतीय मॉडल के अंतर्गत स्वीकृत है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों SCA, ST, OBC, माइनॉरिटी है, BPL है। योजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, BPL परिवारों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जा सकते हैं। दोस्तों, ये एक आवासीय विद्यालय जो आपके आसपास खंड ब्लॉक स्तर पर होंगे, जो इसका कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इन विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्ग की उन बालिकाओं को जोड़ना जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गम वास स्थानों में रहते हुए किसी कारणवश विद्यालय में नहीं जा चुकी है और जिसकी आयु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देना दोस्तों, जिसकी आयु कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है, वे उनके लिए व्यवस्था की गई है। ऐसी बालिकाओं को निर्धारित ब्लॉक से चयन कर इन विद्यालयों में प्रवेश दिलाए जाने का प्रावधान है। प्रवेश हेतु पात्रता, चयनित ब्लॉकों की ST, SC, OBC और अल्प निरक्षर BPL जाति के परिवारों के लिए ये बालिका यहाँ के आ सकती हैं। बड़ी उम्र की बालिका है जो विद्यालय में नामांकित नहीं हो, जो विद्यालय में एनरोल कभी नहीं हुई हो, वो किसी कारणवश प्राथमिक शिक्षा भी अपनी पूरी नहीं कर पाई हो, वो और दुर्लभ श्रेणी की बालिका, इन बालिकाओं को इसके अंतर्गत आवासीय विद्यालय के अंतर्गत प्रवेश दिया जाता है। और टोटल 186 आवासीय विद्यालय है जो कि दोस्तों 30 जिलों के अंदर है, जिसमें से देख चुके हैं कि 131 है, 131 जो विद्यालय है वो प्रथम मॉडल है और 55 जो है वो थर्ड मॉडल पर आधारित बालिका विद्यालय है। ऐसी बालिकाएं दोस्तों जो है वो नामांकित नहीं होती है और इनकी उम्र भी होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, हम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय देख चुके हैं जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये प्रारंभ की गई थी। अभी राजस्थान में 30 जिलों में ये वर्तमान में विद्यमान है, टोटल 186 ब्लॉकों में ये विद्यमान है। तो सेकेंड यूनिट हम देख चुके हैं, टोटल दोस्तों 29 टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट के, जिसमें से दो टॉपिक में आपको करवा चुका हूँ। अब पीछे 27 टॉपिक रहेंगे जो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए एक एक करके लेके आऊँगा। आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।